ठेकेदारों द्वारा सरकारी पैसे का इस्तेमाल सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए किया जाता है। आखिरकार पूछना चाहते हैं कि कब तक ठेकेदारों के ऊपर कार्रवाई होगी या प्रशासन कब ऐसे ठेकेदारों पर लगाम लगाएगा। इस मामले को लेकर जब मौके पर देखा गया तो रेत पूरी तरह मिट्टी में मिली हुई थी। वहीं आपको दिखा दे कि जहां क्षेत्र की सबसे बड़ी और पुरानी स्कूल है, यहां पर 500 से लगभग अधिक बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर मिलावटी सामान से बिल्डिंग बन रही है जो कि एक बड़ी घटना को अंजाम तक पहुंचा सकता है। इसका खामियाजा मासूम बच्चों को भुगतना पड़ सकता है। वहीं पढ़ने वाले विद्यार्थियों और उनके घर वालों को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है, लेकिन भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाना सरकार मुनासिब नहीं समझता है। क्या सरकार किसी अनहोनी का इंतजार कर रही है या फिर किसी तरह की तालमेल कर यहाँ पर ठेकेदार पर कार्रवाई से बचा जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि मसाला तैयार कर कार्य किया जा रहा है, तो इंजीनियर द्वारा आश्वासन दिया गया कि ठेकेदार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि इंजीनियर द्वारा ठेकेदार पर कैसी कार्रवाई होती है। न्यूज इंडिया 9 शैडोज अनिल पांडे की रिपोर्ट। जान वहां के जम पूरा वही का मटेरियल तो हम कहा जरूर मटेरियल तो हम जरूर बोलेंगे विद्यालय बन रहा है मटेरियल डिस्टर्ब हाई सेकेंडरी अब ये में मटेरियल जारी है। देखिए कितना रेता है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। फोटो तो सब किया जाएगा। रेता मिट्टी मिला हुआ है, ये इतना गुणवत्ता विहीन जो है काम चल रहा है। रेत का कहीं नामो निशान नहीं है। देखिए ये पूरा ये मिट्टी से जुड़ा हुआ है पूरी तरह से। ये कहीं भी आप देखिए पूरे रेते में, ये यहाँ भी आपको दिखा रहा हूँ, ये इस तरह से ये पूरा देखिए पूरा गुणवत्ता विहीन रेत। ये होता है सरकारी काम का नतीजा ठेकेदारों द्वारा। ये बिल्डिंग अभी इतनी खड़ी हुई है, इसी तरह से काम चल रहा है।